हेलो, कैसे हैं आप सब? तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा आई टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से ही मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन बस रास्ते का ही थोड़ा सा शूट किया, ज़्यादा मैंने नहीं शूट किया। तो वो जो क्लिप था वो आने का था, और ये क्लिप है वो जाने का है। यानी कि जो मतलब मैं घर वापस जा रही हूँ, तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी, तो हम लोग कहीं ठहर गए थे। बारिश छूटने के बाद का सीन है ये, देख सकते हैं आप लोग कितनी भयानक वाली बारिश हुई थी। मुझे लगता है 10 मिनट ही बारिश हुई, लेकिन जम के बारिश हुई थी। देख सकते हैं सभी जगह पानी आ गया है। तो यहाँ मैं टेबल क्लॉथ जो लेकर के आई हूँ, यानी डाइनिंग टेबल कवर, उसको मैं बिछा रही हूँ। तो बिछाया मैंने, फिर देखा कि काफ़ी छोटा हो गया है, बस ऊपर ही रखा हुआ है ये। बिल्कुल ये तो बच्चे थोड़ा सा भी ये करेंगे स्लिप कर जाएगा, और स्लिप कर भी रहा था क्योंकि मैं थोड़ा चेक कर रही थी। मैंने थोड़ा देर छोड़ भी दिया कि चलो देखती हूँ क्या कंडीशन रहता है इसका, लेकिन सही नहीं था ये बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा जब लटका हुआ नहीं रहेगा तो ये टिकेगा नहीं ना, फिर ये गिर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, तो फिर क्या मतलब है। तो ऐसे ही सही है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने फिर चेंज कर दिया ये। और इसका कलर कैसा आप लोग बताइएगा। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज करके फिर मैं दूसरा लेके आई। वो भी मुश्किल, मतलब ये था कि दूसरे दिन भी मैं गई थी, तो इस वजह से चेंज भी हो गया, वरना फिर जो आ गया वही रहता, ये था। और मेरे हस्बैंड का तो ये है कि जो आ गया बस वो वापस नहीं होगा, वो रहेगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले गई। मैं बोली कि क्या होगा, जब मैं जा ही रही हूँ तो ले जाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं दूसरे दिन गई थी डॉक्टर के पास। तो मैं बोली कि लेते जाती हूँ वहाँ पे जा करके, फिर चीज अगर चेंज कर दिया तो कर दिया, तो फिर क्यों नहीं चेंज करेगा जब ये छोटा है, नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बस वहीं तक रखा हुआ है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर चेंज करने में क्या दिक्कत है। और मेरी छोटी बाबू देखिए खड़ी है फ्रॉक पहन के। तो ऐसे ये कलर का मैंने इसलिए लिया क्योंकि पर्दा से मैच कर रहा है ना, तो इस वजह से मैंने ऐसा लिया। तो अब लोग बताइएगा, छोटा तो है ही, तो फिर मैं चेंज हेलो, करके कैसे दूसरा हैं ले आप आई। सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। और अभी आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया है, और ये वीडियो मैं 2 दिन से शूट करने वाली थी, नहीं हो पा रहा था। और क्या हुआ कि परसों, हाँ शायद परसों मैं गई थी, अपना आई टेस्ट करवाने के लिए, जो कि मेरे सर में बहुत दिनों से काफ़ी दर्द है, नहीं ठीक हो रहा है। तो मैं आई टेस्ट के लिए गई थी, तो आई टेस्ट करवाया, तो पावर सेम ही था, पावर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं चश्मा लगाती नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा सर में दर्द कह लीजिए, जो जिस कारण से भी हो, मुझे नहीं पता किस कारण से हो रहा है। तो और फिर क्या हुआ कि ये चश्मा देखिए, और मेरा शीशा कल आ गया, क्योंकि मैं परसों दिखाने गई थी, कल आ गया है। तो फ्रेम तो चेंज नहीं किया है, शीशा चेंज किया है, तो देख सकते ब्लू शीशा लगाया है। इससे कि मैं कि फ़ोन देखूं, लैपटॉप देखूं, इससे कोई टीवी देखूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मुझे। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बाबू आई परेशान करने लगी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि मैं आई टेस्ट के लिए गई, तो मैंने सोचा कि चलो अब आई हूँ तो बच्चों के लिए ले लेती हूँ कपड़ा, थोड़ा बहुत जो घर का सामान था वो ले लेती हूँ। तो मैं नहीं, और वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ ये छुट्टी लेकर के गए थे थोड़े टाइम के लिए दिखाने के लिए, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं था कि हम ज़्यादा कुछ शूट करने में। तो आप लोग को पता ही है कि शूट करते तो वो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि शूट भी करते, और नहीं मुझे था कि जल्दी जल्दी चीज़ों को पसंद करना है और लेके चलना है, ये चीज़ चक्कर था। तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी मैं सब ले आई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और ये भी था कि बच्चों को, बाबू दोनों का ये बर्थडे आया, उसमें भी ड्रेस नहीं दे पाई थी दोनों को, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, ड्रेस नहीं खरीद सकते थे, और मैं थोड़ा सा परहेज में भी रहती थी, अभी भी हूँ। जैसे ये कि
बाहर नहीं निकलना, मास्क लगा के निकलना, ये सब चीज़ें हो रही है। तो उस टाइम भी यही था कि चलो नहीं बाहर नहीं निकल सकते, नहीं ड्रेस दे सकते, लगा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं दिए भी तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो उस टाइम भी ड्रेस न्यू नहीं दिए थे और ऑनलाइन का मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। ऑनलाइन जब 2-3 दिन बचे थे तो इतना जल्दी नहीं पहुँचा देता, तो इस वजह से मैंने फिर छोड़ दिया कि चलो। तो अभी मैं गई तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, तो इस वजह से वहाँ का सूट नहीं कर पाई। और मैं आई टेस्ट के लिए गई, वहाँ भी मैंने नहीं सूट किया, तो वहाँ से ही। तो फिर यही सब है। और फिर कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, कल बाहर गई थी दिखा करके आई हूँ, तो उसके बाद वहाँ भी मैंने सूट नहीं किया। परेशानी में इंसान को शूटिंग नहीं दिखता है कि कुछ शूट करें, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोग को दिखाते कि मैंने क्या क्या लिया है, जो थोड़ा बहुत शॉपिंग वो तो दिखाना बनता है आप लोगों से। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है कमेंट करके, और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी बड़ी गुड़िया का है, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पर्सनली, मेरे हस्बैंड को उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। समझिए कोई ऑप्शन नहीं था, लास्ट में मुझे एक पसंद आया एक पीस, लेकिन उतना टाइम भी मेरे पास नहीं था कि हम टाइम देते, एक दुकान दो दुकान जाते, दो मतलब घूमते तो मिल ही जाता अच्छा, ऐसा थोड़ी नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये एक टॉप लिया है, जींस नहीं लिया क्योंकि जींस इधर ही कुछ मतलब लॉकडाउन से पहले लेकर के आई थी मैं, तो उसके पास जींस है। तो ये टॉप है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें ज्वाइंट नहीं है, इसमें अलग से नहीं है। तो ये देखिए इसका बैक साइड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने ले लिया इसे। और दोनों का जिद हमेशा रहता है कि फ्रॉक चाहिए, तो मैं सोच रही थी कि ये तो मैंने ले ली, क्योंकि मैं फर्स्ट शॉप पे मैं दो दुकान गई तो मुझे, और छोटी बाबू के लिए इसमें मिला ही नहीं, तो ये मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है ले लीजिए, तो इस वजह से मैंने ले लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये तो फ्रॉक, क्योंकि घर से बोल दी थी कि मम्मा आप जा रहे हैं तो मेरे लिए फ्रॉक ले लीजिएगा, तो मैंने बोला कि अब तो फ्रॉक चाहिए इसे, फिर तो रोएगी फ्रॉक नहीं लेंगे तो। तो फिर दूसरे शॉप से मैंने फ्रॉक भी लिया। और ये देखिए मेरी छोटी गुड़िया रानी का है, कॉस्की का है, उसे भी फ्रॉक लेना ही था, फ्रॉक दोनों का जिद रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, बहुत मतलब बताए बहुत जल्दी में थे, इस वजह से जो मिला जल्दी से उठाए और आ गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत अच्छा लगा, दोनों बाप बहुत ज़्यादा खुश हुई देख करके, दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सबसे बड़ी चीज़ क्या, बच्चे जब खुश तो हम लोग भी खुश, बस एक बार नहीं कितना बार खोल के खोलती है देखती है। और ये बड़ी वाली बाबू का है, देख सकते हैं कितना बड़ी से बटन ओपन है, तो ये फोल्ड भी नहीं है, जैसे तैसे रख दी है अभी। ये देखिए कैसा लगा, तो यही है। और छोटी बाबू का 3 पैंट ही लिए हैं, क्योंकि उसके पास पैंट नहीं मतलब है, लेकिन फट गया है अब, तो ऑनलाइन मंगवाए थे बड़ी वाली बाबू के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं मंगवाए थे, तो इसके लिए हमें अभी गई थी तो मैंने ले लिया, 3 लेके आई मैं। ठीक ये है, इसमें पैक है, बस तीनों सेम साइज़ है। और मैंने क्या लिया, हाँ ये मैंने एक कप लिया है, मेरे पास कप ऐसे है, वो क्या बोलते कॉफ़ी कप है, ये तो टी कप लेना था मुझे, तो मैंने ये कप लिया है। कैसा लग रहा है, मेरे हस्बैंड के पसंद का है, अच्छा लग रहा है कप ऐसे। और 2 मैंने डोरमेट, हाँ ये मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने ऑनलाइन अमेजोन से जो मंगवाया था डोरमेट, उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि उसका जो वहाँ पे मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, धागे धागे हैं ना वो पैर में निकलते हैं, और उसके बाद वो फिर घर गंदा होता है, जैसे बाथरूम जाइए वो गंदा होता है, तो अच्छा नहीं निकला, वो बेकार निकल गया है, तो वो नहीं आप लोग लीजिएगा। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वो चीज़ें मत लीजिएगा। तो ये मैंने 2 ऑफलाइन ही लिया, मतलब
शॉप से लिया है मैंने। एक ये हो गया और एक ये, दो मैंने लिया है। और यहाँ आने के बाद मुझे पर्दे भी कम पड़ रहे हैं, तो मैंने दो ही वहाँ पे था, मुझे जिस कलर का चाहिए था मुझे दो ही मिला, क्योंकि मैं सोची कि इससे अलग लेती हूँ तो फिर दिक्कत होता है ना जो पर्दे। तो गाइस ये देखिए, इसमें इस टाइप का धागे धागे लगे हुए हैं, और ये देखिए इधर पीछे ऐसा है, पीछे का तो सही है, ये धागे जो हैं ये बेकार हैं, ये देखिए निकलते बहुत हैं, और ये पैरों में ऐसे ऐसे भी निकलते हैं और पैरों में भी बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये निकल रहा है, तो ये अच्छा नहीं निकला है, इसलिए आप लोग इसको मत परचेज कीजिएगा। ये अच्छा नहीं निकला है, इस वजह से मैं आप लोग को, है सॉफ्ट लेकिन ये जो निकलता है ना तो पूरा घर गंदा होता है इससे, तो इसका उपाय मैं कुछ करूँगी, या तो मैं दो जोड़ करके इसको सिल दूँगी तो ये ऐसे रहेगा। ये इससे इधर पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह से रहेगा तो घर गंदा होते रहता है, घर गंदा होता है, बाथरूम गंदा होता है, क्योंकि पैर में चिपकता है उससे बाथरूम जाते हैं, बाथरूम भी गंदा होता है, तो ये अच्छा नहीं निकला है। तो क्या है कि जब मैं अगर अलग कलर के पर्दे लेती तो इसमें सेट नहीं करता, तो फिर मुझे फिर अच्छा नहीं रहता, तो मैंने सोचा था कि इस कलर का प्लेन लूँगी, जैसे ये है ना, ये जो कलर है इसको सिर्फ प्लेन लूँगी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और ये भी मुझे दो ही मिला, मैंने सोचा कि चार लूँगी लेकिन चार नहीं मिला, मुझे दो ही मिला, तो मैंने दो ले लिया कि चलो फिर देखा जाएगा, या दो से काम चल जाएगा तो काम चला लूँगी। तो इस डिज़ाइन के देखिए बस ऐसे ही, बस इसमें मैच कर रहा है, ये जो पर्दे है ना इसमें मैच कर रहा है, बस इस वजह से ही मैंने लिया इसे। ऐसे मैं प्लेन लेने वाली थी, ऑनलाइन भी मैं प्लेन ही देख रही थी, लेकिन ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आया, कपड़ा समझ में नहीं आया, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। तो एक ये हो गया है और एक ये, दो दो मैंने लिया है पर्दे, और एक फ्रिज कवर भी लिया है। फ्रिज कवर तो मेरे पास था, जो टेबल पे डालते हैं ना वो था, फ्रिज का ऐसा स्पेशली नहीं था, लेकिन मैंने इस बार फ्रिज का भी ले लिया है, तो इस डिज़ाइन का है। मैंने ज़्यादातर सब मतलब जो हमारे पास पर्दे हैं ना उसी का मैच का कोशिश की हूँ कि वो ले लूँ। तो ये है देखिए, मुझे पता नहीं थोड़ा डाउट आ रहा है कि मेरे फ्रिज पर आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा फ्रिज थोड़ा चौला है, चौलाई उसका ज़्यादा है मेरे फ्रिज का, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, ये चीज़ मैं अभी गेस कर रही हूँ, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं देखूँगी, तो अगर नहीं आएगा तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और ऐसे डिज़ाइन इसका अच्छा लग रहा है, सिंपल में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और हाँ, डाइनिंग टेबल कवर भी लिया है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, और फिर मैं उसे चेंज करके लाई हूँ क्योंकि वो छोटा हो रहा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ और क्या लिया है। हाँ, और बैडमिंटन लिया है, कॉर्क लिया है, यही सब छोटा छोटा मोटा चीज़ लिया, और क्या लिया है मुझे, और यहाँ, और मैं बाहर गई, ये गई थी तो मैंने सोचा कि चलो सैनिटाइज़र ले लेती हूँ, तो मैंने हाफ लीटर का सैनिटाइज़र ले लिया है, सॉरी हाफ लीटर कहते हैं, 500 ml का है, सॉरी 500 ml का है सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर तो यूज होता ही है, तो और छोटा भी लिया है सैनिटाइजर, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ है, शायद कहीं रखे होंगे मेरे, क्योंकि तीन, हाँ तीसरा दिन हो गया ये सब सामान लाए हुए। तो और क्या मैं लाई हूँ मुझे याद नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यूज भी हो गई है, तीन दिन सामान थोड़ी रखा रह सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ डाइनिंग टेबल कवर जो लेके आई, तो देखिए उसको रिटर्न करके मैंने ये लिया है, क्योंकि वो छोटा हो रहा है, उसका साइज जो था ना वो छोटा था, वो बस इस पे रखा रहता था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये देखिए थोड़ा साइज इसका बड़ा है, मतलब उससे डबल है ये, और इससे छोटा नहीं था, तो और मैं दूसरा लेना भी नहीं चाह रही थी, मैं इसी कलर का लेना चाह रही थी जो कि पर्दे से मैच कर जाए, तो इस वजह से मैंने इसे लिया। और ये देखिए मैंने बैडमिंटन लिया है, एक बैडमिंटन से खेला जा रहा है, एक अभी इसमें रखा हुआ है, तो मैं था लेकिन वो टूट गया, तो इस वजह से मैंने इसे ले लिया।
और तो देख सकते हैं आप लोग कि ये थोड़ा बड़ा है लेकिन सही है, कम से कम टिका तो रहेगा। वो है कि था क्या, स्लिप कर जा रहा था, और ये सही है उससे। तो इस वजह से मैंने लिया। कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे कमेंट करके। मुझे अपने लिए चूड़ी लेना था, बिंदी लेना था। जैसे दशहरा आ रहा है ना, तो अष्टमी के दिन हम लोग के यहाँ जगरना होता है, तो जगरना के दिन वो सबको जगा करके पहनते हैं। लेकिन वो सब मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, हस्बैंड को जल्दी से आना था। वो बोल रहे थे कि काफ़ी ये सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि अब गए थे तो ऐसे भी, तो फिर भी बहुत जल्दी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्योंकि ये दिमाग में था कि फ्रॉक लेना है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लिए। चलो खोलते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दिए, और ज़्यादा टाइम लगता फिर इनको लेट हो जाता, इस वजह से हम लोग फिर चले आए। मैं बोली छोड़िए, देखा जाएगा, अब कहीं से भी ले लूँगी, नहीं तो एक सेट है मेरे पास जो मेरे हस्बैंड मुझे एनिवर्सरी में दिए थे, वो है, तो नहीं होगा तो मैं उसी को पहन लूँगी। तो देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि क्या करूँगी नहीं करूँगी अभी। तो चलिए, मुझे लगता है सब कुछ मैंने दिखा दिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।